यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क है। तो ये है एम्स हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर रिपोर्ट के लिए भी लाइन लगना पड़ेगा, देखो कितना लंबा लाइन। टाइमिंग का खेल है यहाँ, यहाँ पर भीड़ देखो कितना ज्यादा। खाने में हम लोग लाए हैं रोटी और सब्जी। तो अभी मम्मी का जाँच कमरा नंबर 38 में चल रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मैं और मम्मी जा रहे हैं भोपाल के एम्स हॉस्पिटल। वो इसलिए क्योंकि मम्मी का आंखों का चेकअप कराना है हमको यहाँ से, और मम्मी के ट्रीटमेंट में जो जो चीज चेकअप हुआ है उसका ये हम लोग फाइल वगैरह बना के रख लिए हैं, और इसमें रख लिए हैं खाना वगैरह, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। और मम्मी जो है डायबिटीज की पेशेंट है, इसलिए मम्मी को बहुत पहले से ही मोतियाबिंद की समस्या है, लेकिन डायबिटीज के कारण ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। डायबिटीज के पेशेंट को कुछ ना कुछ जाता है हमेशा, मतलब कोई ना कोई अंग में वो रिएक्ट कर ही देता है। तो मम्मी के आंखों में रिएक्ट किया है, मम्मी की आंखों में सालों से मोतियाबिंद है। तो पहले ही सर्जरी वगैरह हो जाना था, लेकिन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा था मम्मी का। तो अभी हम भोपाल में थे तो सोचे एक बार भोपाल में एम्स हॉस्पिटल में दिखा दे, वहां पे अच्छा चेकअप और सर्जरी वगैरह भी वहां अच्छा होता है। तो हम पिछले 2 दिनों से वहां पर जा रहे हैं, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया। सर्जरी के पहले जो जो जांचें होनी थी उसका चेकअप हमने कराया है, ब्लड सैंपल वगैरह दे दिए है, तो आज वो रिपोर्ट हमको मिलने वाला है। अब रिपोर्ट से पता चलेगा कि सर्जरी अभी होना है या फिर और अभी शुगर या बीपी जो भी है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं अब हॉस्पिटल के लिए हम लोग। पहले मैं जा रहा हूँ गाड़ी का कवर हटा दूँ, गाड़ी में कवर लगा है गंदा बहुत हो जाता है, इसलिए ये रहा कार। तो अभी हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, अभी पहले जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, मतलब हॉस्पिटल तक हो जाएगा आना जाना, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा होना ही चाहिए गाड़ी में, इसलिए मैं पहुंचने वाला हूं पेट्रोल पंप। ये रहा पेट्रोल पंप, यहां से भरवाऊंगा मैं 1200 रुपये का पेट्रोल। हमारे रूम से ज़्यादा दूर नहीं है एम्स हॉस्पिटल, लगभग 8 से 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो अभी हम लोग एम्स हॉस्पिटल के बाहर आ चुके हैं, यहां पर अब चलते हैं एम्स हॉस्पिटल के अंदर, गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं। तो ये है एम्स हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, गेट नंबर 2। पार्किंग के लिए मुझे अभी बहुत आगे जाना पड़ेगा, इसलिए मम्मी को मैं पहले ही यहाँ पर उतारे दे रहा हूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं गाड़ी पार्क करने फिर हॉस्पिटल के अंदर। अभी मैंने गाड़ी पार्क कर दी, देखो यहाँ पे पार्किंग पे, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क है। ये देखो पीछे हॉस्पिटल कितना बड़ा। और ये है एम्स हॉस्पिटल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब जैसा कि ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। ये है ओपीडी के लिए मेन एंट्रेंस, फर्स्ट टाइम आने वाले लोग यहीं से अपना पर्ची कटवाते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ये एक छोटा सा गार्डन टाइप का, यदि थक गए हो लाइन लगे लगे तो यहाँ आकर बैठ सकते हो, लेकिन अभी हमको सीधे जाना है। तो अभी हम पहुँच आए हैं नेत्र रोग विभाग में, यहाँ पर भीड़ देखो कितना ज़्यादा। अभी मम्मी को एक जगह बैठा दिया हूँ, यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है, एक एक करके अलग अलग काउंटर में भेजा जा रहा है अलग अलग डॉक्टर के पास, देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा। अभी मम्मी का नंबर आ चुका है, इसलिए वो डॉक्टर के चैम्बर में है और बाकी लोग अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रिपोर्ट लेने और कुछ और जाँच करवाने। यहाँ पर रिपोर्ट के लिए भी लाइन लगना पड़ेगा, देखो कितना लंबा लाइन। लाइन में लगने के थोड़ी देर बाद मेरा नंबर भी आ जाता है। तो अभी मैंने रिपोर्ट ले लिया, अब जा रहा हूँ मम्मी के पास। हॉस्पिटल में वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। तो जो जो जांच होनी थी वो हो गई है, बस एक बचा है, इसलिए पहले हम जा रहे हैं अब लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए, उसके बाद वो जाँच हम करवाएंगे। टाइमिंग का खेल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है। इस चेयर पर बैठ कर खाना खाने वाले हैं हम। अच्छा, ये बीच बीच में बढ़िया छोटा छोटा सा ये गार्डन टाइप का बना दिए हैं बैठकर खाना वगैरह खाने के लिए, तो अच्छा लग रहा है ये। खाने में हम लोग लाए हैं रोटी और सब्जी, बस दो ही चीज़। यहाँ पर कैंटीन भी है, लेकिन वो केवल स्टाफ के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ लोग को ही वो खाना देता है। मैं गया था, मैं बोला एक्स्ट्रा ले लो पैसे, पर नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोग को टिफ़िन लाना पड़ा। तो खाना वगैरह अभी खा चुके हैं, अब यहाँ पर 2 बजे तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1:30 बजा है और जो जाँच है उन्होंने बोला है लंच के बाद होगा, तो यहाँ पर लंच 2 बजे तक चलता है, उसके बाद वो जाँच होने वाला है। तो अभी थोड़ा देर यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। ऑपरेशन के पहले बहुत सारी जाँचें होती हैं, पिछले 3 दिनों से हम लोग जाँच ही करवा रहे हैं। तो अभी फिर से हम वेटिंग हॉल में बैठ कर इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर 2 बजे के बाद धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लग जाती है। तो अभी मम्मी का जाँच कमरा नंबर 38 में चल रहा है, देखो दरवाज़ा बंद है, इसके बाद निकलेगी फिर घर। अभी सारा चेकअप हो गया, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो अभी मैं मम्मी को एक जगह बैठा दिया हूँ और जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, जहाँ मैंने पार्क किया है गाड़ी। पार्किंग थोड़ा सा दूर है हॉस्पिटल से, इसलिए मैंने मम्मी को उधर बैठा दिया पीछे। ये रहा कार, इतना धूप में बहुत गर्म हो गया होगा।
तो दोस्तों सारा रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर ने देख लिया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने बोला है कि अब सर्जरी होना है, तो सर्जरी के लिए ऐसे नहीं होता कि चले गए तो हो गया, वहाँ खाली देखना भी पड़ता है वार्ड में अभी खाली है जगह कि नहीं। तो हम लोगों का वो सब डॉक्यूमेंट का फोटो वगैरह जो भी कागज़ है उसका फोटो उन्होंने ले लिया है। अब वो बोले हैं कि 4 से 5 दिनों बाद वो हमको कॉल करके और बताएंगे कि इस डेट पर खाली है, आप आ जाओ। उसके एक दिन पहले एडमिट होना होगा और उसके अगले दिन ऑपरेशन होगा, फिर उसके एक दिन बाद छोड़ देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे उसके बाद। तो इसलिए अब सारा कुछ नंबर वगैरह मैं दे आया हूँ वहाँ पर डॉक्टर वगैरह को, तो अब वो लोग कॉल करेंगे फिर हम जाएंगे उसके बाद। अभी फ़िलहाल अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।